गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में ये लेसन 11 जिसे मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था उसका आज ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है लोक प्रियंकरण का शब्द। सबसे पहला नंबर पहला का और नंबर प्रश्न ये देखिए क्या है लोक। मधुरा शब्द लोकप्रियंकरण भवति। प्रश्न नंबर ख में है बंद चरिता के कथयन्ते। क्वेश्चन नंबर 4 में बंद चरिता के कथयन्ते। ये प्रियाणि विभासन्ते प्रियं सत्कृतम् इच्छन्ति ते बंद चरिता भवन्ति। यहाँ पे ते भी यूज कर सकते हैं हम और वे भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखो वहां पे ये किया गया है वे कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा कि दृषि वाणी पुरुषं प्रह्लादयति। दृषि वाणी पुरुषं प्रह्लाद का प्रह्लाद दयति। उत्तर लिखिए लिखिए सुमधुर भाषिणी
सुहासिनी सुमधुर भाषिनी वाणी पुरुषं प्रह्लादयति पहले आप लोग इन तीन क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। नहीं दिखानी चाहिए कस्मिन दरिद्रता प्रिया भवंती, कौन से नर सबके प्रिया होते हैं, ये नरा प्रिया भवंती प्रिया भवंती ते प्राणी नाम प्रिया भवंती, जो जो नर जो आदमी जो इंसान प्रिया बोलते हैं प्रिया करते हैं वो सबके प्रिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा में फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा में खाली स्थान भरने के लिए, तो चलिए दूसरे नंबर में रिक्त स्थान, आप लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान। तो कौन नंबर में, वैसे ये चैप्टर से ही है, आप लोग पढ़ सकते हैं फिर भी मैं चलिए नौ यथा शीतल सलीलम नौ यथा तथा नौ तथा शीतल शीतल सलीलम शीतल सलीलम नौ नौ के बाद फिलप्स है
तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे चंदन रसो न शीतला छाया, चंदन रसो न शीतल छाया, चंदन रसो न शीतल छाया। ओके, उसके बाद इसी के दूसरे में देखिए, दूसरे में यहाँ पे फिलिप्स है, तो यहाँ पे हम लोग लिखा सुमधुर भास में सुमधुर तो यहाँ पे बोलिए प्रहलाद यति, प्रहलाद यति च पुरुषम, च पुरुषम। ओके, और नंबर ये है ख में, देखिए ख में क्या है, प्रियंकु, ये प्रियंकु यार, प्रियंकु, ये प्रियंकु यार, प्रियंकु यार, प्रियंकु यार, प्रियंकु यार। अब यहाँ पे जो फिलिप्स है वहां पे लिखिए प्रियमेवा वृतम पदम, प्रिय प्रधान प्रदानेन, प्रिया वचः प्रदानेन भवन्ति प्राणि प्रिया। इसे पढ़िए फिर मैं इसे नेक्स्ट आगे कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर दो में देखिए अर्थहीनों, अर्थ अर्थहीनों अपि मधुर,
लास्ट कितना चीज
ठीक है, एव प्लस अमृतम, अमृतम, एव प्लस अमृतम, एव यहाँ पे भी आ है, एव व अ प्लस अ आ, एवा अमृतम। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर चार में है, प्रिया में इसमें क्या होगा, प्रिया प्लस, नहीं प्रियम लिखो इसमें, प्रियम, प्रियम प्लस ए प्लस अमृतम, अमृतम। अब इतना बड़ा शब्द का मतलब क्या है, प्रियम, ए मीन्स ही, अमृतम, अमृतम ही सही है, ठीक है। इसके बाद इधर इधर के साइड में आओ, क्या है, सीखी, सीखी, इसका बन, इसका बनाओ सीखी प्लस ई, सीखी प्लस ई। ओके, सिक्स नंबर में देखो क्या, अर्थहीनो अपि, अर्थहीनो अपि, अर्थहीनो, अर्थहीनो प्लस, सॉरी अर्थहीनो प्लस अपि, कोई नहीं। अब ये जो है सेवन नंबर में जो देवास्ते है, इसका देखो, देवास्ते, इसका बना है देवा, देवा प्लस दे, देवास्ते। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, लास्ट वाला यहाँ पे कर देती हूँ, क्या है, कश्चित, इसका बनाओ कश्चित, आप लोगों का आज क्वेश्चन नंबर तीन तक कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।